नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगीत शिक्षा इन हिंदी। जी हाँ, और आज हम और आप मना रहे हैं संगीत के सबसे महान, जी हाँ, पंडित की जन्मदिन को। संगीत के सबसे महान व्यक्ति के जीवन का आगाज हुआ था आज, जन्मदिन है। जी हाँ, आपको बता दें कि संगीत की भाषा देने वाले महान कलाकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे साहब का। तो चलिए मनाते हैं आज उनके जन्मदिन को संगीत शिक्षा इन हिंदी के इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप संगीत के सबसे बड़े लवर हैं, म्यूजिक लवर हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट जरूर लिखिए, हैप्पी बर्थडे विष्णु नारायण भातखंडे साहब। और आप ये भी बताइए कि संगीत से आपका जुड़ाव कहाँ तक है, कौन से राग और कौन से थाट हैं जो आपके फेवरेट है, क्योंकि यही इन्होंने दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत को भाषा देने वाले महान कलाकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की कहानी आज संगीत शिक्षा इन हिंदी पर। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि आज है विष्णु नारायण भातखंडे साहब का जन्मदिन। 10 अगस्त को हुए थे इस दुनिया में पैदा। तो आपको बता दें कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इतिहास में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक वक्त था जब अंधेरे शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में अज्ञान पात्रों और किसी भी चीज के पैटर्न स्पष्ट नहीं थे। उस दौरान भातखंडे साहब ने यात्राएं की, प्राचीन किताबों का अध्ययन किया, वरिष्ठ संगीतकारों से परामर्श लिया, दृढ़ता से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझा और उन्हें स्थापित किया। तो बता दें आपको कि 10 अगस्त 1860 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा मुंबई में हुई, फिर पुणे में हुई। वैसे तो वे वकील थे और मुंबई में सॉलिसिटर के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन संगीत में एक अलग रुचि होने के कारण उन्होंने अपने स्कूली जीवन से ही श्री बल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत में शिक्षा लेकर उन्होंने बेल बाग मिलकर और मियां अली हुसैन खान और विलायत हुसैन से भी शिक्षा ली। आपको बता दें कि उनकी पत्नी और बेटी की अकाल मृत्यु की वजह से वे जीवन के प्रति अनासक्त हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत की साधना में समर्पित कर दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, लोग केवल गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ही संगीत सीखा करते थे, पर पंडित जी इसे सर्व सुलभ बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि संगीत का कोई पाठ्यक्रम हो ताकि शास्त्रीय पक्ष के बारे में विद्यार्थी जान सके और जो सटीक हो, क्योंकि किताब में एक बार लिख गया तो सटीक हो जाता है। इसके लिए वे देश भर में संगीत के उस्तादों से मिले, गुरुओं से मिले, पर उनकी बातों से लोग सहमत नहीं थे। अनेक संगीतज्ञ तो उन्हें राग और बंदिशें सुनाते भी नहीं थे। कभी कभी वे अपनी किसी विशेष बंदिश को केवल एक बार ही गाते थे ताकि कोई नकल ना कर ले। ध्वनि मुद्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में पंडित जी ने इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे, मंच के पीछे से रहकर वो बैठकर सीखा और स्वर लिपियां लिखा। इसके बाद उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। आज आपके लिए, छात्रों के लिए, पुराने गायकों की स्वर लिपियां जो उपलब्ध हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय पंडित भातखंडे को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त उस पर काफी रिसर्च की। आपको बता दें कि संगीत के एक अन्य महारथी हुए हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जो इनके समकालीन थे। ये दोनों दी विष्णु के नाम से विख्यात थे। जहाँ पंडित पुलुस्कर का योगदान संगीत के क्रियात्मक पक्ष को उजागर करने में रहा है, वहीं पंडित भातखंडे क्रियात्मक और सैद्धांतिक दोनों पक्ष में सिद्धस्त थे। उन्होंने संगीत को जानने के लिए, सीखने के लिए अपना व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही चीजें लगाई और दोनों को सुधारने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने 1904 में भारत के दक्षिणी भाग की यात्रा की। वहाँ बड़े पैमाने पर प्राचीन पुस्तकों की खोज की, वो भी बड़ी सावधानी से। संगीत पर शोध किया और संगीत को कुछ नया दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने मुंबई आकर गायन उत्तेजन मंडल में कुछ दिन संगीत की शिक्षा प्राप्त की, कई पुस्तकों पर अध्ययन किया, दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ संगीत चर्चा में शामिल हुए और तब उन्हें पंडित वेंकट मखी के 72 थाटों का पहली बार पता चला। इसके बाद पंडित जी ने उत्तर और पूर्वी भारत की यात्रा की। यहाँ से उन्होंने उत्तर संगीत पद्धति की विशेष जानकारी ली, कलावंतों से विभिन्न प्रकार के गाने सीखे, संगीत विद्वानों से मुलाकातें की, प्राचीन अप्रचलित रागों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, जगन्नाथपुरी, नागपुर और कलकत्ता की यात्राएं भी की। सन 1908 में ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों के दौरे पर गए, यानी कि देश विदेश में घूमते रहे, देशों में घूमते रहे और देश के कई राज्य, देशी राज्यांकत, संस्थागत मठ में, मंदिरों में, व्यक्तिगत संग्रहालयों में जाकर इन्होंने हस्तलिखित संगीत ग्रंथों की खोज की, उनके नामों का अपने ग्रंथों में प्रकाशन किया, देश के अनेक हिंदू मुसलमान गायकों से मिले, वादकों से मिले और उनसे कुछ नया सीखा, किसी से संगीत लिपि में संग्रहण किया, कर्नाटकी मेल पद्धति के अनुसार रागों का वर्गीकरण किया, थाट का पद्धति वर्गीकरण किया, निर्धारण किया और ऐसे घूमते घूमते
हमें संगीत से को एक नई दिशा दी। आपको बता दें कि भातखंडे की लगन बचपन से ही संगीत की ओर थी। उनकी संगीत यात्रा वैसे तो 1904 में शुरू हुई, तब उन्होंने संगीत के लिए भ्रमण किया और बड़े बड़े गायकों को संगीत सुना, स्वर लिपियां तैयार की। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मलिका के नाम से ग्रंथमाला उन्होंने प्रकाशित की। इसके 6 भाग हैं। शास्त्रीय ज्ञान के लिए विष्णु पुराण नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो बाद में भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से छपी, बहुत प्रचलित हुई। इसके 4 भाग मराठी भाषा में भी लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में इन्होंने लक्ष्य संगीत, अभिनव राग मंजरी नाम से पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने भ्रांतियों पर प्रकाश डाला है। जी हां, आपको बता दें कि विष्णु नारायण भातखंडे ने अपना शुद्ध ठाट विलावल मानकर ठाट पद्धति स्वीकार करते हुए 10 ठाटों के वर्गीकरण को सामने लाया है। आपको बता दें कि इन्होंने संगीत विद्यालयों की स्थापना भी की है और विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से कई जगहों पर संगीत सम्मेलन हुए, संगीत विद्यालय की स्थापना हुई। लखनऊ का मैरिस म्यूजिक कॉलेज, जो भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर का माधव संगीत महाविद्यालय और बड़ौदा का म्यूजिक कॉलेज विशेष रूप से इसमें उल्लेखनीय है। तो इन्होंने जीवन को और संगीत को एक नया परंपरा दी है। आपको बताएं, अब आप सोचिए कि रागों को कैसे सीखा जाता होगा। एक वक्त यह था कि जब श्रुति परंपरा में चीजें सीखी जाती थी। श्रुति परंपरा का मतलब बताते हैं आपको, यानी कि अपने गुरु से आपने कुछ सुना और सुनकर सीख लिया, तब ये चला करता था। लेकिन आपने अपनी जिंदगी में शास्त्रीय संगीत कभी ना कभी तो सुना होगा, जिसमें यमन, पीलू, भैरव, मल्हार तमाम रागों का जिक्र होता है। लेकिन ये बिल्कुल संभव है कि आपको वो राग और संगीत की बातचीत समझ में आई हो या नहीं आई हो, लेकिन आपको ये जरूर बताया गया होगा कि आप किस किस्म का हिंदुस्तानी संगीत सुनते हैं, और जिसको भी सुनते हैं उसका आधार शास्त्रीय संगीत है। अब आप चाहे गजल सुने, भजन सुने, ठुमरी सुने, इन सब की जड़ में शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। यहाँ तक कि कई लाजवाब शानदार जो सदाबहार गाने हैं उनमें भी शास्त्रीय राग आधारित होते हैं। अब सोचिए कि इन रागों को कैसे सीखा जाता होगा, जब एक वक्त केवल श्रुति परंपरा चल रही थी, यानी गुरु से सुना और सुनकर सीखा और बस गा लिया। लेकिन ये दौर तब रहा था जब गुरु परंपरा शिष्य परंपरा एक साथ रहती थी, लेकिन आज के जमाने में ये परंपरा उस लेवल पर नहीं है, है? लेकिन फिर भी ये परंपरा अब भी खत्म नहीं हुई है, पहले जैसी नहीं है। हम श्रुति परंपरा पर जब थे तब लोग अपने गुरु को सुनते थे और तब सीख लिया करते थे, पर आज के वक्त में कोई भी इस तरह से संगीत नहीं सीख सकता है। हर किसी को संगीत के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट चीज चाहिए होती है। तो आपको बता दें कि आज कलाकार या कोई भी आदमी इसलिए संगीत सीख पाता है क्योंकि संगीत की एक भाषा है, उसे लिपिबद्ध कर दिया गया है। अगर आप राग यमन को जानना चाहते हैं तो आप राग यमन केवल सुन नहीं सकते, बल्कि आज के वक्त में आप उसे पढ़ सकते हैं कि राग यमन होता क्या है। तो इस राग यमन को, या ये कहा जाए कि संगीत को लिपिबद्ध किसने किया, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनका नाम आप तो पहले ही जान चुके हैं, या उनका नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। संगीतकार रहे हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत को लिपिबद्ध करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। आज उनका जन्मदिन है। आपको बता दें कि वे भातखंडे के समकालीन थे और उन्होंने ही संगीत को लिपिबद्ध किया है। उन्होंने बहुत कठिन तरीके अपनाए और इसके अलावा आपको बता दें कि उनका तरीका बहुत कठिन माना गया है। उनके मुकाबले में भातखंडे की लिपियां काफी सरल समझी जाती हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के पहले रागों को एक परिवार की तरह समझा जाता था। परिवार में पुरुष, महिला, बच्चे राग हुआ करते थे। बाद में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थाट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने तमाम शास्त्रीय रागों को 10 थाटों में बांट दिया। ये एक वैज्ञानिक तरीका था। मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के स्वरों के साथ लगने वाले निशान भी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की देन है। कोमल और तीव्र स्वरों के साथ लगने वाले निशान भी उन्हीं की देन है। आपको बता दें कि उनका जन्म 10 अगस्त 1860 को मुंबई के बालकेश्वर में हुआ था। उनके घर का नाम था भातखंडे हाउस। वो जन्माष्टमी का दिन था, बचपन में रखा गया था उनका नाम। गजानन को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला, यानी कि उन्हें गजानन कहा जाता था बचपन में, विष्णु नारायण भातखंडे को। और उनके पिता कलाकार थे, संगीतकार थे। उन्होंने गजानन को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ संगीत की तालीम भी देनी शुरू की। तो विष्णु नारायण भातखंडे ने बाद में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ बांसुरी और सितार में भी तालीम ली। और आपको बताएं कि ध्रुपद गायन के प्रतिष्ठित कलाकार राव जी बुआ बेल बागकर ने विष्णु नारायण को भातखंडे को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाई। उन्होंने अली हुसैन और विलायत हुसैन से भी सीखा और काफी कुछ सीखा। और आपको बता दें कि संगीत की शिक्षा के साथ साथ उन्होंने वकालत पूरी की, वकालत करनी भी शुरू कर दी कराची में। और वकालत और संगीत उनके जीवन के 2 अध्याय रहे। लेकिन जब सब अच्छा चल रहा था तो उनके जीवन में बहुत बड़ी चोट आई। उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का कम उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद वो भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और वो नारायण जी मुंबई आ गए। और यहाँ अब उन्हें किसी चीज में अगर सुकून मिलता
मिलता था तो वो संगीत था। यानी कि यहाँ से उनका दूसरा जीवन अध्याय शुरू हुआ और उन्होंने संगीत को ही अपना पहलू बना लिया, संगीत को ही अपना जीवन बना लिया। इन्होंने कई घरानों से, नुमाइंदों से बात की, विचार विमर्श किया, अपनी यात्राएं रखी, देश विदेश में घूमना शुरू किया, सैकड़ों लोगों से मिलते रहे जुलते रहे, संगीत की गोष्ठियों में बैठे, संगीत छुप छुप कर सुना और लेक्चर सुना, बाद में वे लेक्चर देने भी लगे। 15 साल की यात्राओं में उन्होंने तेलुगु, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू जैसी भाषाओं में संगीत की शिक्षा का इंतजाम कर दिया। 15 सालों में विष्णु नारायण ने बड़ौदा, ग्वालियर, मुंबई में ज्यादा वक्त बिताया। इस दौरान उनका खुद का सीखने का सिलसिला जारी रहा। वे भातखंडे ही थे जिन्होंने सबसे पहले कॉम्पोजिन को नोट किया है। उन्होंने बहुत सारी दुर्लभ बंदिशों को इकट्ठा किया, वो भी एक दो नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा बंदिशें इकट्ठी कर ली। इन्हीं बंदिशों को बाद में प्रकाशित किया गया जिसमें उनकी खुद की कंपोज की हुई बंदिशें भी हैं, जो उन्होंने चतुर पंडित विष्णु शर्मा के नाम से तैयार की। इसी दौरान विष्णु नारायण भातखंडे ने महसूस किया कि संगीत की जानकारी को लेकर बहुत सी विचारधाराएं हैं। उन्हें समझ में आ गया कि अब इसके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी, इसके लिए कुछ नियम बनाने होंगे जो स्वीकार भी कराने होंगे। आखिरकार उन्होंने ये सब कर लिया। उन्होंने कड़ी कॉन्फ्रेंस की 1916 में बड़ौदा में, 1918 में दिल्ली में, 1919 में बनारस में, 1924 में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्होंने वहां शास्त्रीय संगीत से जुड़े पक्षों को बातचीत करने के लिए एक मशवरे का मंच तैयार किया। और इन कॉन्फ्रेंस का फायदा यह हुआ कि उनकी तमाम विचारधाराओं को लेकर जो विवाद थे वो सुलझते चले गए। आपको बता दें कि उन्होंने इन प्रयासों के साथ साथ लिखना भी चालू रखा और उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी किताबें लिखी। उनकी पहली किताब थी स्वरमलिका। तो दोस्तों, भातखंडे साहब के जीवन से जुड़ी सारी तमाम जानकारी हमने आज आपको दी है। और आपको बता दें कि उन्होंने 2000 बंदिशें इकट्ठी की थी, 200 राग तैयार किए थे। उनकी पुस्तकों को राग का खजाना कहा जाने लगा। इसी लेखन से उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को नई पहचान दी और उसके बाद उन्होंने संगीत की सिस्टमैटिक शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बड़ौदा के महाराज के सयाजी राव गायकवाड़ से मिलकर विद्यालयों की शुरुआत की और आखिरकार उन्होंने विष्णु नारायण भातखंडे के नाम से भातखंडे संगीत विद्यालय खुलवा लिया, जो कि देश के सबसे अग्रणी संस्थानों में से एक है। और आपको बता दें कि 19 सितंबर 1936 को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी संगीत के मुरीद हैं, संगीत आपको पसंद है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।